हेलो फ्रेंड्स, आज हम बबल सॉर्ट सीखेंगे। एरे को एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के अंदर क्या किया जाता है? तो यहाँ पे हम दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि अगर आप ज़ीरो एलिमेंट पे है तो आप फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड एलिमेंट को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, एंड इस तरीके से एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते जाते हैं। बबल सॉर्ट का राउंड वन हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक छोटी सी एरे बनाई है, एक नॉर्मल साइज़ की, जिसमें 5 एलिमेंट है। हम बड़ा डाटा भी रख सकते हैं, पर एग्जाम्पल के लिए 5 वैल्यूज़ इनफ है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, ये देखने के लिए कि डिसेंडिंग टू एसेंडिंग करने के लिए मैक्सिमम कितने राउंड्स या प्रोसेसिंग स्टेप्स लगेंगे। रियलिटी में डाटा रैंडमली हो सकते हैं, लाइक आप इनपुट कर सकते हो 75, 32, 11, 69, 98, एनी नंबर्स रैंडमली, ओके? बट हमने यहाँ पे फिलहाल डिसेंडिंग में रखा है। पर ध्यान से सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि डाटा डिसेंडिंग में हो। सॉर्टिंग का पर्पज़ ही होता है कि डाटा कैसे भी यूज़र ने इनपुट किए हो, उसको एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले ज़ीरो लोकेशन की वैल्यू को 1 लोकेशन की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे एरे का ज़ीरो लोकेशन, दैट इज़ द 50, हम कंपेयर करेंगे एरे के 1 लोकेशन 40 के साथ। नाउ 50 इज़ ग्रेटर देन 40 है, सो हम उनकी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, दैट इज़ 40 ज़ीरो लोकेशन पे चला जाएगा और 50 1 लोकेशन पे आ जाएगा। ये हमारा बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है, जिसमें हम दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। सो हम अभी फर्स्ट लोकेशन को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे 50 एंड 30 कंपेयर होगा। अगेन 50 इज़ ग्रेटर देन 30, सो हमें उनकी पोजीशन चेंज करनी होगी। सो यहाँ पे 50 नीचे आ जाएगा, 30 ऊपर चला गया, और यहाँ पे हमारे पास अगेन दो नंबर की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होते हुए हमें दिख रही है। नाउ नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को। सो 50 इज़ कंपेयर विथ 20, अगेन 50 इज़ ग्रेटर देन 20, सो उनको इंटरचेंज करना होगा। सो नाउ हमारे पास कुछ डाटा इस तरीके से दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे थर्ड लोकेशन को फोर्थ लोकेशन के साथ। यहाँ पे भी 50 ग्रेटर देन 10 है, सो हमें उनकी पोजीशन चेंज करनी होगी। और ये करने से क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला एरे का डायग्राम है और जो लास्ट वाला डायग्राम है, उसमें हमारे पास 50 सबसे बॉटम में मिल चुका है। सो एक्चुअली हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये सॉर्टिंग का नाम बबल सॉर्ट है, तो बबल की तरह जो वेट में लाइट है वो नंबर्स ऊपर की ओर फ्लोट होते हैं, और जो नंबर हैवी है, मतलब कि बिगर है, वो एरे में नीचे के साइड पे या बॉटम साइड पे मूव हो रहे हैं। सो एज पर नेम बबल सॉर्ट, हमको यहाँ पे सबसे बड़ा, दैट इज़ द हैवी वैल्यू, एरे के बॉटम में मिल चुकी है, ओके? नाउ हम राउंड टू शुरू करेंगे। राउंड टू में अगेन हमारा कंपैरिजन ज़ीरो से ही शुरू होगा। सो ज़ीरो लोकेशन 1 के साथ कंपेयर होगा। सो 40 इज़ कंपेयर विथ 30। यहाँ पे भी अगेन 40 इज़ ग्रेटर देन 30 है, सो उनकी वैल्यू इंटरचेंज होगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने डाटा पूरे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों रखे थे। हमें यहाँ पे नंबर कैसे इंटरचेंज होते हैं वो समझने के लिए ऐसा रखा हुआ था, अदरवाइज़ हमारे डाटा कोई भी ऑर्डर में या रैंडम वे में हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपके 1 कंपेयर विद द 2 लोकेशन नंबर, सो 40 इज़ ग्रेटर देन 20, अगेन हमको उनको स्वैप करना होगा या पोजीशन इंटरचेंज करनी होगी। नाउ वी कंपेयर विद सेकंड एलिमेंट विद द थर्ड एलिमेंट। सो यहाँ पे 40 इज़ ग्रेटर देन 10 है, सो अगेन उनको इंटरचेंज करेंगे। सो हमारे पास राउंड टू के एंड में हमें दो वैल्यू बॉटम में मिल चुकी है, 40 एंड 50। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पिछले राउंड के अंदर हमारे पास एलिमेंट 4 तक हमने प्रोसेसिंग किया था, ओके? और यहाँ पे हमने एलिमेंट 3 तक प्रोसेसिंग किया, क्योंकि हमारा फोर्थ पोजीशन के, दैट इज़ फोर्थ इंडेक्स पे 50 ऑलरेडी हमको सबसे बड़ा नंबर मिल चुका है। तो धीरे धीरे हमारा राउंड है
वो डिक्रीज होते जा रहा है। पहली बार हमारा राउंड हुआ था 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। यहाँ पे आप देखिए 0 to 1 कंपेयर किया, 1 लोकेशन को 2 के साथ कंपेयर किया, 2 लोकेशन को 3 लोकेशन के साथ कंपेयर किया। अभी 3 and 4 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी हमको सॉर्टेड ऑर्डर में मिल चुका है। नाउ अभी हमारा राउंड 3 शुरू होगा। सो इसमें हमारे पास डाटा है 30, 20, 10, 40 and 50। 40 and 50 ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। अगेन हमारा राउंड 0 पोजिशन से शुरू होगा। सो 0 इंडेक्स की वैल्यू 1 इंडेक्स के साथ कंपेयर होगी। सो 30 इज़ ग्रेटर देन 20, यस, सो वी विल इंटरचेंज वैल्यू। नाउ 1 लोकेशन इज़ कंपेयर विद द सेकेंड लोकेशन, 30 इज़ ग्रेटर देन 10, यस, अगेन इंटरचेंज। सो नाउ वी हैव वैल्यू 30, 40, 50 इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। यहाँ पे भी आप देखिए हमारा डाटा या जो राउंड है उसमें नंबर ऑफ राउंड्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही कंपैरिजन लगे, 0, 1 कंपेयर किया एंड 1 लोकेशन को 2 के साथ कंपेयर किया। हम 3, 4, 5 को कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। सो हमारे पास 3 वैल्यूज एट द बॉटम ऑफ द एरे मिल चुकी है। नाउ राउंड नंबर 4, और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे अगेन 0 लोकेशन को 1 के साथ। आप देख रहे हैं कि हमारा राउंड हमेशा 0 इंडेक्स नंबर से शुरू हो रहा है। सो 0 लोकेशन की वैल्यू 1 लोकेशन से ग्रेटर है, सो यहाँ पे हमें उनकी वैल्यू इंटरचेंज करनी है। एंड नाउ एरे इज़ इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट थे, सो हमें टोटल 4 राउंड्स लगे। सो वी कैन से कि अगर एरे में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो एन माइनस राउंड्स एग्जीक्यूट होंगे, ओके। सो उम्मीद है यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम तुरंत प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो इसके पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो चलो दोस्तों, अभी हम बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट पैकेज करेंगे। सो हम यहाँ पे java.util.*sign लिखी है क्योंकि हम यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज़ करना चाहते हैं। हमें यूज़र से 10 नंबर इनपुट करके लेना है। सो यहाँ एक एरे डिक्लेयर की है इंट arr नाम से, और उसकी साइज़ हमने 10 रखी है। सो हम यहाँ पे 10 नंबर इनपुट करेंगे। ये जो कुछ वेरिएबल लिए हैं वो हमने लूप के लिए लिए हैं। आपने देखा होगा जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम एट ए टाइम 2 नंबर को कंपेयर कर रहे थे, दैट इज़ इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू 1 के साथ या इंडेक्स 1 की वैल्यू 2 के साथ। सो हमें लूप के लिए अलग अलग वेरिएबल लगेंगे। टेम्प नाम का वेरिएबल हमने वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए लिया हुआ है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एरे में 10 नंबर इनपुट किया है। सो आई इक्वल टू 0, इंडेक्स नंबर एरे में हमेशा 0 से शुरू होता है। एरे डॉट लेंथ लिखेंगे हमेशा, आप यहाँ पे चाहे तो आई लेस देन 10 ऐसा भी लिख सकते हैं, पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप नंबर लिखने की जगह पे एरे डॉट लेंथ लिखिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर हम यहाँ पे एरे की साइज़ चेंज करते हैं, सपोज़ मैंने 10 की जगह पे 20, 50, 100 ऐसा कोई भी नंबर चेंज किया, तो वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाती है। सो ये हमें एडवांटेज हो जाता है। सो हमेशा आप एरे डॉट लेंथ लिखना प्रेफर करिए। आई प्लस प्लस हम 1 by 1 वैल्यू इनपुट करते जा रहे हैं। सो एरे ऑफ आई इक्वल टू sc.nextint। sc हमारा स्कैनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नेक्स्ट इन फंक्शन के थ्रू अलग अलग इंटीजर नंबर इनपुट करेंगे। आप यहाँ पे रैंडम वे में नंबर इनपुट कर सकते हैं, आपकी पसंद के कोई भी 10 नंबर आप इनपुट करिए। हमने यहाँ पे एरे को पहले प्रिंट करवा दिया है ये देखने के लिए कि सॉर्ट होने के पहले हमारे पास क्या डाटा है एंड आफ्टर सॉर्टिंग हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन प्रिंट यूज़ किया है, वो इस वजह से कि हमें ये जो 10 नंबर होंगे वो हॉरिजॉन्टल आउटपुट में देखने को मिलेंगे। बाद में हम यहाँ पे बबल सॉर्ट का लॉजिक लिखेंगे एंड आफ्टर द सॉर्टिंग अगेन हम एरे को प्रिंट करेंगे। सो प्रिंटिंग के वक्त भी मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन ही रखा है। सो अगेन ये 10 नंबर हॉरिजॉन्टल प्रिंट होंगे। सो क्या होगा, आपके पास एक लाइन पे विदाउट सॉर्टेड डाटा है एंड नेक्स्ट लाइन पे सॉर्टेड डाटा है। सो कंपेयर करना इजी हो जाएगा। नाउ स्टार्ट विथ बबल सॉर्ट लॉजिक।
तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा फॉर लूप, आई इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे एरे डॉट लेंथ माइनस वन। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास एरे में 10 एलिमेंट है पर लास्ट इंडेक्स नंबर 9 आता है, तो हम यहाँ पे एरे डॉट लेंथ माइनस वन लिखेंगे। हम 9 लिख सकते हैं पर अगेन जैसे मैंने कहा कि लेंथ की वैल्यू यूज़र जो भी वहाँ पे नंबर लिखेगा उस हिसाब से ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगी। आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, आई माइनस माइनस। ऐसा हमने इसलिए किया कि हमारे लूप में वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते जाती है, दैट इज़ द नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज होते हैं बट कंपेरिजन डिक्रीज होते जाते हैं। पहली बार आपने 4 तक कंपेरिजन किया था, फिर हमने इंडेक्स नंबर 3 तक कंपेयर किया था, फिर इंडेक्स 2 तक कंपेयर किया था। सो इसके चलते हमारा एक लूप डिसेंडिंग ऑर्डर दैट इज़ द रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। नाउ सेकंड लूप हमें लगेगा और हम यहाँ पे जे की वैल्यू 0 रखेंगे, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस। ऐसा इसलिए कि आप जब 0 इंडेक्स नंबर पे हो तो उसको 1 इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, 1 इंडेक्स नंबर पे है तब हम 2 इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं। सो हमारा यहाँ पे कंपेरिजन का कमांड आ जाएगा, एरे ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस वन। सो यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं जब जे की वैल्यू 0 है सो यहाँ पे एरे ऑफ 0 हो जाएगा, यू आर कंपेयरिंग विथ एरे ऑफ जे प्लस वन, दैट इज़ द वन लोकेशन के साथ कंपेयर करोगे। अगर जे की वैल्यू 1 है तो आप जे प्लस वन दैट इज़ 2 इंडेक्स नंबर की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर जे की वैल्यू सपोज 7 है तो आप 7 प्लस वन 8 इंडेक्स नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। सो बबल सॉर्ट में हम 2 कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। सो आप जो पोजिशन पे हो उसके नेक्स्ट पोजिशन के साथ हमारा कंपेरिजन होता है। अब यहाँ पे हम अगर एक लोकेशन की वैल्यू उसके नेक्स्ट लोकेशन से ग्रेटर है सो हमें उनको इंटरचेंज करना है, हमको स्वैप करना है। सो क्या करना है, पहले हम जे लोकेशन की वैल्यू को एक टेम्पररी वेरिएबल में शिफ्ट करेंगे। सो हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया और उसमें एरे ऑफ जे की वैल्यू असाइन की। सो यहाँ पे जैसे हमने डायग्राम देखा था उसमें हमारे पास 0 लोकेशन पे 50 था, ये 50 हमने टेम्प में असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एरे जे पे एरे जे प्लस वन की वैल्यू को असाइन करेंगे। सो जे प्लस वन में हमारे पास 40 था, हमारा जो पहला डायग्राम हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से। सो यहाँ पे वैल्यू अगेन चेंज हो रही है और एरे जे प्लस वन पे हम असाइन करेंगे टेम्प में जो हमने पहला वाला 50 स्टोर करके रखा था वो। तो ये प्रोसेस के थ्रू हमारे डाटा आपस में इंटरचेंज हो जाता है। सो जे लोकेशन की वैल्यू जे प्लस वन पे आ जाएगी और जे प्लस वन की लोकेशन की वैल्यू जे लोकेशन पे, दैट इज़ उनकी पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी। ये लूप जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जब आपकी ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी तभी चेंज होगा, पर मान लीजिए कि एक लोकेशन की वैल्यू उसके नेक्स्ट लोकेशन से लेस देन है तो आपका ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट प्रोसेस नहीं होगा बिकॉज हमको यहाँ पे डाटा असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर रहे हैं, हमारा ये बबल सॉर्ट का ही प्रोग्राम है बट हम अभी इस वक्त यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर की ओर जाते हैं। चलिए प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। सो अब हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी 10 नंबर इनपुट करेंगे, हमारे पास नंबर का रिपीटेशन भी हो सकता है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कुछ नंबर रिपीट कर रही हूँ और आप अपनी पसंद के एनी नंबर्स आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अभी हमारे डाटा यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में हो चुके हैं। सो फर्स्ट लाइन पे आप देखिए डाटा हमने जैसे इनपुट किए थे वैसे ही है, जबकि आफ्टर सॉर्टिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे 89 रिपीट हुआ है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं 43 भी रिपीट हुआ है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास कैसे भी डाटा है पर आपको सॉर्टेड ऑर्डर में वो डाटा अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अभी ये तो हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। नाउ सपोज आपको कहा गया है कि आपका डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन कंपेरिजन कर रहे हैं उसकी जगह पे लेस देन कंपेरिजन करिए। ओके, तो जस्ट मैं आपको वो चेंज करके दिखाती हूँ। तो जब आप यहाँ पे लेस देन कंपेरिजन करेंगे तो इस वक्त ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। चलिए उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं।
अगेन हम यहाँ पे एनी 10 नंबर्स इनपुट करेंगे. सो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑर्डर में नंबर इनपुट करते जाइए, रैंडमली इनपुट करिए. और यहाँ पे भी आपके पास कुछ नंबर रिपीट हो सकते हैं. और आप देख सकते हैं अभी हमारे डाटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है. 90 सबसे बड़ा नंबर पहले आया है, 80, 78. यहाँ पे भी आप देखिए 54 मैंने 3 टाइम्स इनपुट किया था, 21 टू टाइम्स से वो सॉर्ट होके हमें आउटपुट में मिल रहा है. सो एसेंडिंग ऑर्डर में करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, आपके फॉर लूप के पार्ट तो एज इट इज़ रहते हैं, चेंज करना है सिर्फ इफ़ कंडीशन के अंदर. जब आप यहाँ पे ग्रेटर देन साइन रखते हैं तो वो एसेंडिंग ऑर्डर में करता है, और लेस देन साइन रखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है. सो मैं यहाँ पे कमेंट में आपको मेंशन कर देती हूँ, ग्रेटर देन फॉर एसेंडिंग ऑर्डर, ओके, एंड लेस देन फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके. सो आप इस तरीके से एरे को सॉर्ट कर सकते हैं. उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा. जो भी कोई सजेशंस आपको लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.